परेशानियों से भागना आसान होता है। जिंदगी में मुश्किल तो हर एक इम्तिहान होता है। हिम्मत हारने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, मुश्किलों से लड़ने वाले के कदमों में ही जहान होता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक ऐसी जांबाज खिलाड़ी से जिसने अपने जिंदगी में आने वाली तमाम मुश्किलों का डटकर सामना किया और खुद अपनी मंजिल हासिल की। पर आज मिसाल पेश कर रही हैं उन तमाम लोगों के सामने जो अपने जिंदगी में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से घबराकर हार मान लेते हैं। क्रिकेट एक ऐसा खेल जिसमें सदियों से पुरुषों का वर्चस्व कायम है। ऐसे खेल में खुद को साबित करना, भारतीय टीम में जगह बनाना, स्टेट को रिप्रेजेंट करना, इंडियन रेलवे को रिप्रेजेंट करना, यूनिवर्सिटीज को रिप्रेजेंट करना और लगातार अच्छा प्रदर्शन करके इंडियन टीम को समय समय पर जीत दिलाना। फहरिस्त बहुत लंबी है, अचीवमेंट्स बहुत ज्यादा है, जिक्र करने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। तो दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे हमारे खास शो क्रिकेट विद चैंपियंस में देवभूमि उत्तराखंड में जन्मी एक ऐसी जांबाज लड़की से जिसने क्रिकेट खेलना शुरू किया महज 9 साल की उम्र में, ऐसे समय में जब लड़कियों के क्रिकेट को इतनी लोकप्रियता हासिल नहीं थी। जिंदगी में तमाम उतार चढ़ाव देखे, एक ऐसे स्टेट से ये आती हैं जहां पर कभी क्रिकेट एसोसिएशन नहीं थी, दूसरे स्टेट से लगातार खेलती रही, हरियाणा पंजाब को रिप्रेजेंट करती रही और उसके बाद जगह बनाई टीम इंडिया में। आज इंग्लैंड दौरे के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। उतार चढ़ाव भी उन्होंने जिंदगी में काफी देखे और हाल ही में ये रूबरू हुई जिंदगी की एक ऐसी सच्चाई से जो किसी भी इंसान को अंदर तक हिलाकर रख देती है। जी हाँ दोस्तों, पिता का इस दुनिया से चले जाना किसी भी इंसान के लिए जितना दुखदाई होता है वो केवल वही समझ सकता है जिसने अपना हर एक पल अपने माता पिता के साये और आशीर्वाद में बिताया हो। फिर भी हिम्मत नहीं हारी, लगातार मेहनत करती रही और आगे बढ़ती रही और इसी के दम पर फिर से वापसी कर रही हैं। इंग्लैंड दौरे के लिए जाने वाली भारतीय टीम में तीनों फॉर्मेट में सिलेक्ट होकर इन्होंने ये साबित कर दिया है कि हौसलों से ही उड़ान होती है। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं स्नेह राणा से हुई ये खास मुलाकात। आज हम मुलाकात करने वाले हैं इंडियन टीम की जानी मानी क्रिकेटर स्नेह राणा से, जिनका की इंग्लैंड दौरे के लिए अभी इंडियन टीम में सिलेक्शन हुआ है तीनों फॉर्मेट्स के लिए, वनडे, टेस्ट और T20 के लिए। तो जानते हैं उनसे कि कैसा एक्साइटमेंट है उनको इस सीरीज को लेकर और क्या तैयारियां उन्होंने की है। सबसे पहले हम उनका स्वागत करेंगे हमारे चैनल पर। नहीं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर और इस बिजी शेड्यूल में से इतना टाइम निकालने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इन्वाइट करने के लिए। जी, तो क्या एक्साइटमेंट है अभी इस सिलेक्शन को लेके, कैसा फील क्या हो रहा है आपको? देखिए, एक्साइटमेंट तो बहुत है, जैसा सभी को पता है कि मेरा डेब्यू तो ऑलरेडी हो चुका था 2014 में, लेकिन मेरे कुछ इंजरी के कारण मैं बाहर हो गई थी। तो पिछले 5 सालों से मैं इस चीज पे वर्क कर रही थी, अपने कमबैक के लिए वर्क कर रही थी और फाइनली वो टाइम आ गया है कि मेरा सिलेक्शन वापस इंडिया टीम में हुआ है। तो बहुत ज्यादा खुशी का भी माहौल है, अच्छा लग रहा है, एक्साइटेड हूँ। जी, तो घर में भी सबको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होगा सिलेक्शन के बाद। कितने टाइम बाद वापसी कर रही हैं आप एक्चुअली इंडियन टीम में? मैं पूरे 5 साल बाद वापसी कर रही हूँ। ओके, 2014 में आपने आई थिंक श्रीलंका के अगेंस्ट डेब्यू किया था। जी, 2014 से 2016 तक मैंने रिप्रेजेंट किया है और उसके बाद मैं आउट हो गई थी वो इंजरी के कारण। ओके, तो सबसे पहला सवाल जो मेरा है आपसे ये है कि जैसे मैंने आपको देखा है, बिकॉज हम दोनों एक ही कॉलेज से रहे हैं और कुछ टाइम भी हमने साथ में स्पेंड किया है, तो मैंने आपको देखा है कि आप हमेशा कूल और काम रहते हो बहुत ज्यादा। तो एक जैसे एक प्लेयर होता है, प्लेयर के अंदर हम देखते हैं कि एक एग्रेशन होता है गेम के दौरान या आउट ऑफ फील्ड भी जब वो रहता है तो उसका वही नेचर बन जाता है। तो लेकिन क्या आपको कभी किसी मैच के दौरान कभी बॉल ऐसे फेंका हो जिससे कि आपको बहुत एग्रेशन हुआ हो कि मैंने इसे हिट करना है बैटिंग के दौरान, या आप जब बॉलिंग कर रहे हो किसी फील्डर ने आपका बॉल जो है वो मिसफील कर दिया हो, तो क्या कभी ऐसा गुस्सा वगैरह आपको हुआ है? देखो, मुझे लगता है कि हर एक प्लेयर का अपना अपना बिहेवियर होता है, ठीक। मतलब कोई एग्रेसिव होता है फील्ड पे, कोई एकदम काम होता है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गेम ऐसा है कि कोई भी कभी भी गलती कर सकता है, तो जी किसी के ऊपर ऐसे शो करना या उनको डांटना तो मुझे नहीं लगता कि वो करना चाहिए, बिकॉज सबसे गलतियां होती है, ऑब्वियसली हमसे भी होती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है स्पोर्ट एक ऐसी चीज है कि हमें किसी को भी लेट डाउन नहीं करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। या एग्जैक्टली। और क्या मैच से पहले क्या स्ट्रेटेजी रहती है आपकी, जब आप फील्ड में होते हो उस टाइम, कुछ स्पेशल तैयारी मेंटली फिजिकली कैसे प्रिपेयर करते हो आप खुद को जब कोई बड़ा मैच होता है, या हर एक मैच से पहले? मुझे ऐसा लगता है हर एक प्लेयर को मेंटली एक तो काम रहना चाहिए, बहुत जरूरी। मतलब अगर हम पहले से ही ऐसे प्रेशर ले लेंगे या कोई ऐसा सोच लेंगे कि नहीं आज एक बड़ा मैच है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो मैं पर्सनली अपना बता रही हूँ कि मेरे मेरे लिए तो वो वर्क नहीं करता। कि अगर मैं पहले से ही वो कर लूँ, नहीं बड़ा मैच है मुझे ऐसा करना है वैसा करना है, मैं एट प्रेजेंट जो होता है उसको लेकर चलती हूँ, बस जितना हो सकता है अपने माइंड को काम रखती हूँ। ओके, इट्स वेरी नाइस। तो ये तो चलो हाल फिलहाल की बात हुई, हम बात करते हैं कि कैसे आपने इंडियन टीम तक का सफर तय किया, कैसे शुरुआत हुई थी आपकी और कहाँ से आपने अपनी जर्नी शुरू की, तो इसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखो स्टार्ट तो मैंने जब मैं बहुत छोटी थी तभी क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था, 6th क्लास से। तो फिर यहाँ पे लिटिल मास्टर क्रिकेट एकेडमी है वो ज्वाइन करी, और यहाँ पे तो उत्तराखंड में एसोसिएशन नहीं थी इसलिए हमें बाहर जाना पड़ा। तो 1 साल मैंने हरियाणा से भी ट्राई किया था, बट मुझे इतना स्कोप लगा नहीं अपना उधर से, इसलिए मैंने पंजाब शिफ्ट कर लिया। तो फिर पंजाब से मेरा करियर शुरू हुआ, वहां से मैंने अंडर 19 खेलना शुरू किया, फिर सीनियर्स शुरू किया, और बस देखते ही देखते फिर चैलेंजर्स, फिर इंडिया कॉल आ गया 2014। जी हाँ। तो जैसे कि आपने बताया आपने देहरादून से स्टार्ट किया, तो वहां पे आपने बताया कि एसोसिएशन नहीं थी पहले, तो जी शुरुआत वहां से की, शुरू में कैसे क्या फेज रहा था, कैसे क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े कि शुरुआत में, जैसे अब से कुछ टाइम पहले मुझे लगता है कि लड़कियां इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेती थी क्रिकेट में और काफी मुश्किल होता होगा प्रैक्टिस के लिए, तो कैसे आपने खुद को प्रिपेयर किया उस टाइम में? देखिए ऑब्वियसली मुश्किलें तो थी, बिकॉज एक जगह पे जो चीज़ बिल्कुल नहीं है वहाँ से स्टार्ट करना, तो थोड़े बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस किए हैं, प्रॉब्लम्स आई हैं, बट मेरा पहले से ही इस चीज़ में इंटरेस्ट था, तो मैंने ये गोल बना लिया था पहले ही कि मुझे एक दिन इंडिया रिप्रेजेंट करना ही है। तो उसके लिए जो भी चैलेंजेस आए और फाइनेंशियली भी आए, और जैसे आपको पता ही होगा जैसे लोकल टूर्नामेंट्स के लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं तो वो भी जाते थे हम, तो जी हाँ। चैलेंजेस तो बहुत है, लेकिन मुझे लगता है कि कभी गिव अप नहीं किया। जी, यही सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि आज आप इतने टाइम के बाद फिर से वापसी कर रहे हो उसी जी कॉन्फिडेंस के साथ और उसी तरह से। तो घर वालों की पूरी आपको सपोर्ट मिली है हमेशा से? जी जी बिल्कुल, शायद तभी मैं आज इस लेवल पे हूँ जहाँ हूँ। आप अपने पहले टूर्नामेंट या पहले सीरीज के बारे में या पहले मैच के बारे में कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? जी जी बिल्कुल, थोड़ी नर्वसनेस तो थी जब इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे फर्स्ट टाइम, तो नर्वसनेस थी, लेकिन उससे भी ज्यादा एक्साइटमेंट था कि जिस चीज के लिए इतनी मेहनत करी है, इतना उधर बहुत धक्के भी खाए हैं ट्रेन्स के पहले जी। तो वो एक्चुअली पूरा जब मैच के लिए गई तो वो पूरा ऐसे दिख रहा था आंखों के सामने कि ऐसे ऐसे फेस किया है, तो आज वो मुकाम आ गया है, तो जी एक्साइटमेंट बहुत थी, थोड़ी सी नर्वसनेस थी। या क्योंकि इतने बड़े लेवल को हम रिप्रेजेंट कर बिल्कुल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली नर्वसनेस थोड़ी होती है, लेकिन एक बिल्कुल अंदर से एक खुशी भी होती है कि जो हमारा ड्रीम था वो हमारा पूरा हो रहा है, सब जो फैमिली इतने टाइम से सपोर्ट कर रहे थे, हमारे चाहने वाले हैं जो सब चाहते हैं कि बिल्कुल हम इंडिया को रिप्रेजेंट करें, हमें टीवी पर देखते हैं, तो इतनी खुशी होती है कि हमारे बीच से आप निकल के इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ये खुशी अलग ही होती है। बिल्कुल तो आप जैसे इंडियन टीम से पहले लोकल टूर्नामेंट्स खेलते थे शुरू में, आपने, मैंने सुना है कि आपने हरियाणा से भी खेला है, उसके बाद जी पंजाब आपने ज्वाइन किया, तो कोचेज का क्या रोल रहा आपकी लाइफ में, कैसे आप या किसी को इंस्पिरेशन लेके चले थे, आप कैसे आगे बढ़े इस
फॉर्मेट के लिए? देखिए, जब मैंने शुरू किया था खेलना यहाँ पे लिटिल मास्टर एकेडमी में, तो हम लोगों को इतनी नॉलेज नहीं थी इस चीज के बारे में, फ्रैंकली स्पीकिंग, मतलब कुछ भी नहीं पता था क्रिकेट का, ABCD कुछ नहीं पता था। तो जो यहाँ पे सर है नरेंद्र शाह और हमारी मैम है किरण शाह, तो उन्होंने ही सारी कोचिंग दिया, उन्होंने ही सब बताया फुटवर्क क्या होता है। और मैं पहले पेसर थी, तो उन्होंने ही मुझे स्पिनर बनाया कि क्वालिटी देखते हुए शायद। तो मुझे ऐसा लगता है कोचेस का बहुत ज्यादा बड़ा हाथ होता है आपके ऊपर, अगर उनके उनके अंडर चलना, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो करना। मुझे लगता है कि अगर आप फॉलो करोगे जो आपसे सीनियर बोल रहे हैं, तो आप जरूर कुछ ना कुछ हासिल करोगे। जी एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे टीचर्स और हमारे जो हमें साथ पुश कर रहे हैं पेरेंट्स के अलावा, उनका साथ, हमारे कोचेस का साथ हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, उनकी गाइडलाइंस में हम आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसे कि आपने पंजाब को भी रिप्रेजेंट किया उसके बाद, तो पंजाब का जो टाइम था आपका इंडियन टीम से पहले, वहां आप रहते थे, जैसे देहरादून से अप डाउन भी करना होता होगा आई थिंक सो, कि स्टडीज वगैरह होती और साथ में प्रैक्टिस होती थी, तो कैसे आप मैनेज करते थे उसको? हम वहाँ पे BBK DAV कॉलेज है, आपको पता होगा, आपके साथ हम रहे हैं तो हॉस्टल में थोड़ा पेरेंट्स बेफिक्र थे कि चलो बच्चा हॉस्टल में है तो वहाँ पंजाब जाने के बाद मुझे लगता है मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, बिकॉज बहुत अच्छे से हैंडल किया था वहाँ के कोचेस ने भी, और बहुत सपोर्ट किया वहाँ पे। शायद अगर वो सपोर्ट नहीं मिलता उस टाइम पे, उनकी भी गाइडलाइंस थी कुछ, तो अगर वो नहीं मिलता तो शायद हम लोग नहीं कर पाते, क्योंकि आप जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो सब सब अननोन था हमारे लिए, हम किसी को जानते नहीं थे, वहाँ का कल्चर भी पूरा डिफरेंट है, लैंग्वेज डिफरेंट है, तो एडजस्ट करने में टाइम लगता है। लेकिन जो वहाँ पे कोचेस वगैरह थे, उन लोगों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया वहाँ पे भी, और प्लस जो गर्ल्स थी हमारी क्रिकेट टीम की, वो तो सुपर थी जी, तो वो भी एक अच्छा टाइम रहता है एक क्रिकेट प्लेयर के लिए, बहुत टीममेट्स के साथ, कि टीम गेम में हम जब इतने सारे प्लेयर्स के साथ रहते हैं तो वो एक अलग ही भावना होती है, एक अलग ही फीलिंग होती है। बिल्कुल, वो 4 साल हॉस्टल लाइफ, मतलब वो बहुत डिफरेंट थी सब चीजों से। तो कोई ऐसे मोमेंट है आपकी यादगार जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे साथ उस समय की? मोमेंट्स तो बहुत सारे हैं मतलब कोई ऐसे फ्रेंड्स हो जो आपको वहां से लेकर अभी तक आपके साथ हो, या कोई भी ऐसा जो कि अब तक आपके साथ है वहां की ऐसी कोई चीज, क्योंकि हमेशा हमारे कॉलेज और हमारा जो पीरियड वहां पे बीता है वो तो हमेशा हमारे साथ रहती हैं वो चीजें, लेकिन कुछ खास होता है जितने भी प्लेयर्स थे वहां पे जो हम जो साथ में रहते थे वो अभी तक मेरे टच में है सब, कोई भी ऐसे अलग नहीं हुआ है। इनफैक्ट वहां के जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के टीचर्स थी वो भी आज मुझे मैसेज करती हैं अभी तक, तो वो चीज देख के अच्छा लगता है कि शायद हमने कुछ अच्छा किया होगा या हम अच्छे से रहे होंगे, इसीलिए वो लोग भी याद करते हैं। तो वो मुझे लगता है कि इंसान का बिहेवियर ही उसके साथ रह जाता है। या एग्जैक्टली जी, तो कोई इंस्पिरेशन रहा हो आपका शुरू से, जब से आपने शुरू किया क्रिकेट, तो किसको देख के आप इंस्पायर हुए थे, या खुद ही आपको खुद इंटरेस्ट था कि मैंने इस फील्ड में जाना है या इस तरह से? मुझे सिर्फ एक ही नाम पता था, एक सचिन तेंदुलकर, और बाद में फिर थोड़ा जब विमेन्स क्रिकेट को थोड़ा धीरे धीरे जानने लगे तो मिथाली राज, दो नाम सुने थे, तो मैं इन दोनों को देखती थी। प्लस जब स्टार्ट किया था तब तो मुझे पहले से खुद से शौक था, और हमारे गांव में थोड़े बॉयज थे तो उनके साथ खेल खेल के वो इंटरेस्ट बनता चला गया। आपने बताया कि आप बॉयज के साथ खेलते थे, तो कैसा, मतलब क्या एक माहौल होता होगा वहां पे, गर्ल्स क्या वहां पे थी नहीं जब आप खेलते थे उस समय? जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने गली क्रिकेट से शुरू किया था, हम लोग गली में ऐसे ही खेलते थे बॉयज के साथ, मेरी जॉइंट फैमिली है तो हम बहुत सारे मेंबर्स थे, तो बॉयज ही ज्यादा होते थे पूरे, और थोड़े गांव के भी होते थे, तो मैं एक अकेली लड़की होती थी उनके साथ खेलने के लिए, तो मुझे धीरे धीरे, मतलब
इंटरेस्ट बनता ही चला गया। तो हमारे गांव में ऐसी एक छोटा सा ग्राउंड था, वहां पर लोकल टूर्नामेंट होते थे बॉयज के, छोटे छोटे गांव में जैसे होते हैं। तो वो लोग मुझे स्पेशली बुलाते थे घर से कि नहीं तू चलो खेलना है खेलना है, मतलब पूरे बॉयज के साथ मैं अकेली होती थी। तो मुझे लगता है कि वहां से भी मैंने थोड़ा अपने आप को डेवलप किया है। वो फेज क्योंकि आपका बहुत अच्छा रहा, वहां से आपको आगे बढ़ने का लगातार कि आप देखते रहे कि बॉयज खेल रहे हैं क्रिकेट, तो एक मन में होता होगा कि हाँ मैंने भी खेलना है, रिप्रेजेंट करना है आगे इंडिया, बढ़ना है, तो वो एक इंस्पिरेशन वहां से भी मिला आपको। जी, प्लस जो बॉयज थे यहाँ पे वो ऐसे बहुत ही मतलब मुझे इंस्पिरेशन देते थे और मेरा मोराल बूस्ट करते रहते थे, नहीं खेलो, कभी ऐसा नहीं हुआ कि लड़की है तो अरे छोड़ो नहीं खेलना है, मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ। इनफैक्ट वो लोग मुझे बुला के लेके जाते थे। तो एग्जैक्टली आपने किस एज में क्रिकेट शुरू कर दिया था? मैंने 9 साल की उम्र में शुरू कर दिया था क्रिकेट खेलना। ओके, 9 साल की उम्र से आप खेलते आ रहे हो। जी हाँ, तो एक चीज और मैं आपको पूछना चाहूंगी कि आपका फेवरेट शॉट कौन सा है बैटिंग में? शॉट्स तो बहुत सारे हैं, स्क्वायर कट मुझे अच्छा लगता है। ओके, स्क्वायर कट आपका फेवरेट शॉट है। जी और इसके बाद अब हम, चलो सारी बातें हो चुकी है, अब हम रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आप बताइए मुझे। एंड सबसे पहले हमारा जो नेशनल पेय पदार्थ है ना उसकी बात कर लेते हैं। आपको चाय ज्यादा पसंद है कि कॉफी पसंद है? चाय। चाय ज्यादा पसंद है। ओके, और फेवरेट फूड? ऑल होममेड। ओके, ऑल होममेड। तो जैसे बाहर होते हैं, घर से दूर हम टूर पे होते हैं बाहर, तो कई बार फॉरेन कंट्रीज का टूर करते हैं, जैसे इंग्लैंड टूर रहेगा तो वहां पर इंडियन फूड मिलता होगा, लेकिन कई बार ये होता है कि जैसे घर का खाना है जो इंडिया में स्पेशली होता है वैसा नहीं मिल पाता, तो उस टाइम ऐसे होता है कुछ मन में कि हाँ काश इंडिया में होते तो अपने पसंद का खाते और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं लगता, बिकॉज आप जिस चीज के लिए वहां पे गए हो तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग वहाँ पे उसी तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं उस कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो वो हाँ, अब थोड़ा बहुत आता है दिमाग में कि चलो ऐसा खाना था या नहीं ऐसा खाना था, बट मुझे लगता है कि सारा फोकस फिर उस टाइम पे गेम, हमारा गेम पे चला जाता है, तो खाने की तरफ इतना ज्यादा ध्यान रहता नहीं है। ओके, फेवरेट आपके मेन क्रिकेटर्स में से फेवरेट कौन है, मेन टीम में से? सचिन तेंदुलकर थे, फिर MS धोनी। ओके, ये आपके फेवरेट है। एंड वुमेन्स क्रिकेटर्स में से? सब मेरे फेवरेट हैं। सब आपके फेवरेट हैं। मैं मेरी फेवरेट हूँ वुमेन्स क्रिकेट। ओके, ये सबसे अच्छी बात है कि हम जब हम खुद के फेवरेट रहेंगे तो लोग भी हमें उतना ही पसंद करेंगे। टीममेट्स के साथ तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी, क्योंकि देखते हैं हम कि जैसे सब इंडियन टीम में तो सब है ना भांगड़ा और डांस पे बहुत ही ज्यादा, मतलब सब है ना किसी भी टूर्नामेंट के बाद जीतने के बाद एक ऐसे चिल करते हुए दिखते हैं, तो इंटरेस्ट है आपको डांस में भी? बिल्कुल। ओके, जहां भी गाना बज जाए हम वहीं शुरू हो जाते हैं। तो एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे कि अगर स्नेह राणा क्रिकेटर नहीं होते तो स्नेह राणा क्या होते? होते तो मैं स्पोर्ट्स में, अगर क्रिकेटर नहीं बन पाती तो मैं, मुझे बैडमिंटन का बहुत शौक था, तो हो सकता है कि मैं बैडमिंटन खेलती। ओके, कोई भी ऐसी दो बेस्ट चीजें जो कोई भी आपके बारे में ना जानता हो अब तक, जो आप में बेस्ट हो? कि मैं पेंटिंग करती हूँ। ओके, दैट्स नाइस। और मुझे पेंटिंग करने का शौक है, पसंद है। जैसे आजकल लॉकडाउन है तो मैं घर पे पेंट कर लेती हूँ। जी, ओके। और दूसरा, मुझे जैसे आपको बोला मैंने, डांस करने का शौक है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता होगा कि मैं डांस, मेरे घर वालों को छोड़ के। ओके, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे बाहर जिनको नहीं पता होगा शायद कि मैं, मुझे डांस का शौक है। एंड फेवरेट टाइम पास? टाइम पास के लिए तो म्यूजिक सुन लेती हूँ, म्यूजिक सुनना बहुत पसंद है। प्लस आपको बताया मैंने पेंटिंग पेंट कर लेती हूँ।
ओके okay. और मुझे लगता है टाइम पास करने का मौका ही नहीं मिलता होगा क्योंकि ये इतना ऑफ टाइम सीजन ही नहीं तैयारी मिलता। में हाँ क्योंकि सीजन में मैचेस होते हैं, ऑफ सीजन में हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत टाइम ही मिलता है फैमिली के साथ भी क्योंकि टॉर्स होते हैं बाहर के और जी डोमेस्टिक क्रिकेट होता है, सीजन चलता है. जी जी बिल्कुल मूवीज वगैरह देखते होंगे आप. जी। ओके फेवरेट मूवी. एस सच कोई ऐसी फेवरेट नहीं है, जो आती है ओके देख लेते हैं। ओके बॉलीवुड मतलब कोई भी मूवी हो तो सब. कोई हाँ फेवरेट कोई एक्टर भी हो, एक्टर एक्ट्रेसेस. एक्टर तो सोनू सूद आजकल सबका फेवरेट बने हुए हैं। या रणदीप हुड्डा आपके फेवरेट है. जी, ओके एंड एक्ट्रेसेस. दीपिका एंड कंगना। ओके दीपिका एंड कंगना. कंगना मेरे ख्याल से हिमाचल, वही हमारे आसपास के इलाके से है ना, देहरादून के जी आसपास. जी जी म्यूजिक जैसे कि आपने बताया आपको पसंद है, तो म्यूजिक में कोई ऐसा सॉन्ग है आपका जो आपका फेवरेट हो, कोई ऑल टाइम फेवरेट जिसको हम बोले. हाँ सोनियो। ओके तो इस तरह से आपको मतलब क्रिकेट के अलावा इन चीजों में भी इंटरेस्ट है और खाली टाइम में जी आप सॉन्ग सुनना, पेंटिंग करना, ये सब चीजें पसंद करते हैं. तो जी इंग्लैंड का टूर अभी जैसे कि सिलेक्शन हुआ है, टीम इंडिया अनाउंस हो चुकी है, तीनों फॉर्मेट्स के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, उसके लिए फिर से आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन. और 16 जून से मेरे ख्याल से पहला टेस्ट मैच है, वहाँ जी पे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी है इंडिया की 18 से, साउथहैम्पटन में, तो वहां पे जी मेंस टीम भी वहीं पे रहेगी उस टाइम इंग्लैंड में. तो जी अभी आपको ट्रेवल करना होगा, मेरे ख्याल से भी ट्रेनिंग सेशन शुरू हो जाएगा, तो उसके बारे में कुछ. हाँ हमें अभी ट्रेनिंग तो नहीं है, लेकिन हमें अभी क्वारंटीन होना है मुंबई में। उसके बाद 2 जून को टीम निकलेगी इंग्लैंड के लिए। तो कैसी प्रिपरेशंस, तो वहां पे क्वारंटाइन रहेंगे फिर इंग्लैंड जाके ही वहां पे सारी तैयारियां हो पाएंगी ग्राउंड पे, उससे पहले सब प्लेयर्स क्वारंटाइन रहेंगे मुंबई में. जी, क्वारंटीन रहेंगे मुंबई में। और अपने लेवल पे तो आप सब प्रिपरेशन करते रहते ही होंगे कि कब इंडिया के लिए कॉल आ जाए, तो हर टाइम खुद को तैयार करना रखना भी जरूरी होता है. जी जी बिल्कुल, वो तो आप अगर आप इस फील्ड में हो, स्पोर्ट्स में, तो आपको ऑल टाइम रखना ही पड़ेगा, चाहे टूर्नामेंट हो या ना हो। और एक जो अभी मैंने हाल ही में सुना कि एक आपके साथ बहुत ही इंसिडेंट हुआ, एक भावनात्मक कोण की पापा को आपने खो दिया कुछ टाइम पहले, तो ये भी एक जी ऐसा फेज था कि जिससे उभरना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है किसी भी पेरेंट्स, तो किसी भी बच्चे के लिए उसका सबसे पहले वही होते हैं उसकी लाइफ में जिनकी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है. तो ये भी जी एक जी फेज था जिससे आप उभरे हो और उसके बाद अब आप इंग्लैंड के लिए कम बैक कर रहे हो, तो पापा का कोई ऐसा सपना जो आप पूरा करना चाहते हो उसके बारे में कुछ बताना चाहते हो. पापा का तो यही था फिर से कि इंडिया टीम में खेलना है, तो अच्छे से मेहनत करो, खेलो। जी तो अभी 1 महीना पहले ही मैंने उनको खोया है, तो थोड़ा अभी दुख लगता है। जिस दिन हाँ टीम जी अनाउंस हुई थी, तो उस दिन काफी इमोशनल मोमेंट था, बिकॉज अगर शायद वो होते तो वो ज्यादा खुश होते। या बट एग्जैक्टली ये राइट. लाइफ का एक पार्ट है, बट जी हाँ, ठीक लेकिन यही चीजें हमें स्ट्रांग बनाती हैं आगे बढ़ने के लिए. और जिस तरह से हम क्रिकेटिंग फील्ड में है या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है। जी के किसी के भी लाइफ में कोई इंसिडेंट हो जाता है, लेकिन हमें उससे उबरना, खुद को स्ट्रांग बनाना, खुद की फैमिली को संभालना और फिर जी को प्रूव करना, आगे अपने देश को रिप्रेजेंट करना, यही एक प्लेयर, एक स्ट्रांग प्लेयर की निशानी है. तो जी जी वो आप बखूबी निभा रहे हो और अभी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर से इंडियन टीम में सिलेक्ट होने के लिए. और टूर बहुत अच्छा रहे, वहां पे आपकी परफॉर्मेंस भी अच्छी हो, आप बहुत अच्छे से चमके, इंडिया को रिप्रेजेंट करें. तो हमारी तरफ से भी आपको, हमारे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको. थैंक यू सो मच आपकी गुड विशेस के लिए, और मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए। और आप भी जी हाँ अपना ध्यान रखिएगा, क्योंकि हाँ टाइम ऐसा चल रहा है, तो जी हाँ आप भी ध्यान रखिएगा। जी हाँ क्योंकि कोरोना का फेज है और सब जगह जी हालात बहुत खराब हैं, जी ऐसे में खुद को ठीक रखते हुए, खुद को बिल्कुल ठीक रखते हुए
अपनी लाइफ में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे चैनल पर आने के लिए और इस छोटी सी मुलाकात की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर, बाय। ओके, बाय बाय, शुक्रिया।